देखिए ये अभी रात की बात है, थाना कासना क्षेत्र के अंतर्गत। अभी दो दिन पहले, तीन दिन पहले एक जो यहाँ के लोकल एक कारोबारी है, व्यापारी है, उनको धमकी दी जा रही थी अज्ञात नंबर से रंगदारी के लिए। हम लोगों की टीम लगातार उस केस पे काम कर रही थी और उसी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के हाथ लगे और आज भी उसको कॉल आया था रंगदारी के लिए। हमारी टीम क्योंकि लगातार काम कर रही थी और सर्वेलेंस टीम भी लगातार हमारी लगी हुई थी, आज जब उन बदमाशों की लोकेशन हमें यहाँ इस एरिया में मिली और उनकी लोकेशन के बेसिस पे हम लोगों की टीम भी यहाँ पर थी, तो संदिग्ध नज़र आने पर पुलिस टीम ने इनको रोका और जैसे ही पूछताछ के लिए रोकने की कोशिश की, उन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर किया। इधर से पुलिस टीम ने भी उनको चेज किया और फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ, एक बदमाश भाग गया और क्रॉस फायरिंग में हमारा एक सिपाही भी घायल हुआ, उसको भी तत्काल अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। जो क्रिमिनल है उसकी पहचान संजय के रूप में हुई है। संजय ये करनाल जिले का, हरियाणा का रहने वाला था और अभी तक जो हम लोगों ने अनऑफिशियली जो अभी डिटेल्स निकाली हैं, जो जुटाई हैं, उससे प्रथम दृष्टया जो पता लगा है, लगभग 3 दर्जन के आसपास इसके ऊपर मुकदमे थे जो संज्ञान में आए हैं। 25,000 का पुरस्कार इस पर था। जो अन्य फरार अपराधी है उसकी तलाश में कॉम्बिंग की गई, कुछ टीम्स लगी हैं, अभी भी सर्च जारी है। राउंड फायरिंग हुई है। सर ये कौन से गैंग से ताल्लुकात रखता है और क्या कैसे बरामदगी है? देखिए अभी पूरी डिटेल्स मैं आपको बाद में अपडेट करूंगा। हालांकि जो अभी तक जो धमकी जो इसके द्वारा दी जा रही थी वो मुकीम के नाम से दी जा रही थी, उसकी क्या संलिप्तता है उसकी भी हम लोग जांच करेंगे। और क्योंकि जो इसका एरिया है या जहां पर इसके अपराध ज़्यादातर इसने किए हैं हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लगभग वही एरिया मुकीम काला गैंग का भी है, लेकिन उसके टीम का ये सदस्य है या नहीं है उसको अभी हम लोग सर काफ़ी जब मीडिया के थ्रू और सब लोगों के थ्रू सार्वजनिक हो गई थी तो उसने फिर उसको धमकी दी इस बात पर। और क्योंकि हम लोग गोपनीय रूप से लगातार उनके टच में थे और निरंतर इस पर काम कर रहे थे, इसी वजह से ये एग्जैक्ट लोकेशन भी हमको मिल पाई और हम लोगों ने जैसा कि मैंने बताया रोकने का प्रयास किया, लेकिन मुठभेड़ में एक बदमाश। सर कितने हज़ार का इनामी बदमाश है ये? इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार। और कितने राउंड फायरिंग हुई है और क्या क्या बरामद हुआ इनसे? देखिए कितने राउंड फायरिंग हुई वो तो अभी डिटेल मैं आपको अपडेट नहीं कर पाऊंगा, अभी अभी मैं घटना से कौन-कौन सी टीम था जो लगी थी इसके पीछे पूरा घटना को वर्कआउट करने के लिए? इसमें जो तो हुई नहीं बताई सर रिकवरी, इसमें जो अभी रिकवरी हुई है नाजायज असला इसके पास से पिस्टल बरामद हुई है और उसके अलावा कुछ यहाँ पे खोखा है जो कारतूस खाली और कुछ लाइव राउंड्स भी हैं। मैंने इसलिए कहा कि अभी पूरी डिटेल क्योंकि टीम अभी फॉरेंसिक फील्ड यूनिट की टीम यहाँ आई हुई है और सारी चीज़ें अभी मौके पर जांच पड़ताल जारी है। जहाँ तक आपने जो अभी पूछा कि कौन कौन सी टीम्स इसमें लगी हुई थी, तो थाना कासना की टीम थी और एंटी एक्सट्रॉशन सेल की टीम, ये दोनों ही टीम इसमें काम कर रही थी और दोनों ही टीम मौके पर मौजूद थी। साइबर सेल का भी काफ़ी बड़ा अहम रोल रहा। बिल्कुल, सर्वेलेंस सेल का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा क्योंकि लगातार जो हमारी सर्वेलेंस सेल की टीम थी वो उस नंबर की लोकेशंस ले रही थी और लगातार उसको ट्रेस कर रही थी। सर इस रंगदारी के और भी क्या ऐसे मामले इन्होंने पूर्व में अंजाम दिए हैं या किसी तरह रंगदारी? देखिए ये अभी पूरी डिटेल छानबीन के बाद ही और अगर कोई ऐसा बैकग्राउंड होगा तो वो सामने आ पाएगा। ठीक सर। 3 दर्जन जो है, एक व्यक्ति हमारे पास आया जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, बताया गया है कि कासना में एनकाउंटर हुआ है, मृत अवस्था में हमारे पास लाया गया जिसकी सूचना हमने पुलिस को दे दी। कितनी उम्र थी, क्या नाम? सर उम्र लगभग 30 साल उसकी। नाम क्या? हरियाणा का रहने वाला। संजय नाम? संजय नाम है। कहाँ गोली खाने लगी? गोली उसकी छाती में लगी। कितनी गोली लगी थी? 2 गोली उसको प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा कि 2 गोली उसको लगी।